एक ऐसा इंसान जिसका सपना है मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को कम पैसों में अंतरिक्ष का सैर करवाना चाहता है। इस इंसान की जितनी भी तारीफ की जाए सभी कम है, वो जो असली का आयरन मैन है। दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस इंसान का बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, जो सदी के महान इंसानों में से एक है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी माँ मे मस्क जो पेशे से एक आहार विशेषज्ञ थी, और इनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के साथ साथ एक पायलट भी थे। साल 1980 में जब एलन मस्क 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद एलन मस्क ने एक निर्णय लिया कि अपने पिता के साथ रहेंगे। हालांकि इस निर्णय का बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ। एलन मस्क ने शुरुआत की पढ़ाई अफ्रीका से की है। एलन मस्क को बचपन से ही किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है। 12 साल की उम्र तक वे कई सारी किताबों को पढ़कर झाड़ चुके थे। इन्हीं किताबों से उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को भी सीखा, और इन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा था, और इस वीडियो गेम को उन्होंने लगभग $500 में पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच दिए थे। एलन मस्क के कुल 3 भाई बहन हैं, जिनमें वह सबसे बड़े हैं। एलन मस्क जब 17 वर्ष के थे तब वह अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वह नहीं जा पाए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिता को भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उनके पिता का बर्ताव उनके साथ कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने माँ के पास कनाडा जाने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई कनाडा से ही की है। एलन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। साल 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एडमिशन लिया और पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहां उन्हें इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हुआ और 2 दिनों के बाद ही एडमिशन वापस ले लिए, और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में जीप टू नामक कंपनी बना ली। दोस्तों एलन मस्क की शेयर इस कंपनी में महज 7% थी। दोस्तों जीप टू एक ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन सिटी गाइड डिजाइन कराने में समाचार पत्रों की मदद करती थी। फरवरी 1999 में जीप टू कंपनी को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने खरीद लिया। इसे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने $305 मिलियन में खरीदा था, इंडियन करेंसी में लगभग 2100 करोड़ रुपया। इस डील से एलन मस्क को $22 मिलियन प्राप्त हुआ, लगभग 150 करोड़ रुपया। दोस्तों साल 1999 में इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की। यह कंपनी पैसों की ट्रांजैक्शन करती थी। बाद में इस कंपनी का नाम पेपाल रख दिया गया था। एलन मस्क ने पेपाल कंपनी को भी बेच दिया। इस डील में उन्हें कुल $165 मिलियन प्राप्त हुआ, लगभग 1100 करोड़ रुपया। इसके बाद एलन मस्क यह समझ गए थे कि उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 बार सफलता मिल चुकी थी और उनके पास अच्छे खासे पैसे भी थे। उसके बाद इनके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए। इस सपना को पूरा करने के लिए वे साल 2003 में रूस गए। वहां पर वह रॉकेट लेना चाहते थे। जब रूस में एलन मस्क से एक रॉकेट का $8 मिलियन मांगा गया तो उन्होंने सोचा कि यहां पर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खुद अपना रॉकेट बना लूं। यह सोचने के बाद वे वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई करना शुरू कर दी। 1 साल बाद उन्होंने स्पेस एक्स नामक कंपनी की स्थापना किया और एक रॉकेट तैयार करके लॉन्च किया। उनके द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट फेल हो गया था। एलन मस्क ने पुनः प्रयास किया और इस बार फिर से वह सफल नहीं हो पाए, और अगली बार इन्होंने चालाकी दिखाते हुए नए पार्ट्स लाने के बजाय नष्ट हुए रॉकेट के दोबारा उपयोग में लाने के लिए सोचा। इस तरकीब से उन्होंने एक रॉकेट तैयार किया। दोस्तों इस बार भी वे रॉकेट परीक्षण में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने इस बार ज्यादा निवेश नहीं किया था। उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया और उन्हें इस बार सफलता मिली। दोस्तों एलन मस्क का मानना है कि असफलता ही सफलता का चाबी है। दोस्तों एलन मस्क ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत कम समय में बहुत कम लागत पर रॉकेट तैयार भी किया और अंतरिक्ष में पहुंचाया भी। दोस्तों आज के समय में स्पेसएक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट को नासा भी अपने उपयोग में लाती है। एलन मस्क यही नहीं रुके बल्कि टेस्ला में भी अपना कदम रखा। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने वाली एक कंपनी है। शुरुआत में मार्केट में टेस्ला की कार बिका नहीं करती थी, इनकी कीमत काफी ज्यादा हुआ करती थी। एलन मस्क के आने के बाद टेस्ला की कार आज पूरी दुनिया में बिकती है। टेस्ला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बिना ड्राइवर के चलने वाली कार भी लॉन्च कर चुका है। दोस्तों आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि एलन मस्क को अब तक 3 देशों की नागरिकता मिल चुकी है, जिनमें अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका है। दोस्तों 8 जनवरी 2021 को एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में पहले स्थान पर थे।
वर्तमान समय में एलन मस्क का कुल धन $152 बिलियन है और अभी यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों साल 2010 में आई आयरन मैन 2 फिल्म में एलन मस्क ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर के साथ एक छोटा सा रोल प्ले किया है। एलन मस्क का फेवरेट एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर है। दोस्तों एलन मस्क का मानना है कि सफलता आपका परिचय दुनिया से कराती है और असफलता आपको दुनिया से परिचय कराती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।